Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 नवंबर को मुंबई पुलिस ने अर्णव गोस्वामी उनके घर गिरफ्तार किया था। अर्णव बुधवार शाम तलोजा जेल के बाहर आए और सीधे अपने स्टूडियो पहुंचे। अर्णव गोस्वामी ने स्टूडियो पहुंचते ही उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्णव ने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपने मुझे एक पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और मुझसे माफी तक नहीं मांगी। खेल अब शुरू हुआ है। मैं हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। आने वाले चंद महीनों में अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अपना नाम बदल दूंगा। फिर से गिरफ्तार होने की आशंका व्यक्त करते हुए अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मैं तो जेल के अंदर से भी चैनल लॉन्च कर दूंगा और आप ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ देश की जनता है और आप अपना देख लो, क्योंकि आप तो अकेले हो। अपनी बात रखते हुए अर्णव मराठी बोलने लगे। उन्होंने मराठी में कहा कि मुझे बेल देने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। सत्य की जीत हुई है, जय महाराष्ट्र। मराठी बोलने में अर्णव अपने सहयोगी का सहारा लेते हुए भी नजर आए। देखें वीडियो। और उद्धव ठाकरे, रोक सको तो रोक लो। और उद्धव ठाकरे, ले जाओ मुझे जेल, और एक बार मैं जेल से भी लॉन्च कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मैं अकेला नहीं हूं उद्धव ठाकरे, अकेले आप हो। मेरे साथ तो मेरी टीम है, पूरे भारत के लोग हैं। और अगले साल हर लैंग्वेज में, और सुन लो उद्धव ठाकरे, अगले 16 से 17 महीने के अंदर अगर रिपब्लिक ने इंटरनेशनल स्टेज में इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, मैं अपना नाम बदल लूंगा। आप अपनी सत्ता का ख्याल रखो, रिपब्लिक भारत और आगे जाएगा। और एक बात सुनो उद्धव ठाकरे, आमी सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे समर्थन किया, मराठी में मुझे बोलिए, आमी सुप्रीम कोर्टाचा आभारी आहोत। सत्यावर आमचा विश्वास आहे। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इससे पहले न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अर्णव और 2 अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती है तो उनसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.